पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व मंत्री व सपा नेता राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि सत्ता के दबाव में सपा नेताओं को नहीं मिल रहा है। बस्ती जिले में ब्लॉकों पर प्रमुख चुनाव का पर्चा, पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी से पर्चा न मिलने से जिलाधिकारी बस्ती को ज्ञापन। जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल ने कहा कि हम इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। बस्ती जिले में प्रमुख चुनाव को लेकर जिले में ब्लॉक पर सपा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला टिकट। वहीं प्रमुखी चुनाव में पर्चा पूर्व मंत्री व सपा नेता राम प्रसाद चौधरी ने जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल को ज्ञापन देकर इसकी जांच कराई जाए और तत्काल पर्चा दिलवाया जाए जिसमें सपा के लोग चुनाव लड़ सकें। वहीं राम प्रसाद चौधरी ने सीधा आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में पुलिस द्वारा तांडव किया जा रहा है, हमारे बीडीसी और कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस उत्पीड़न कर रही है उनका। साथ ही आज बस्ती पुलिस द्वारा सपा जिला अध्यक्ष बस्ती महेंद्र यादव जो बहादुरपुर ब्लॉक पर प्रमुख चुनाव का पर्चा खरीदने जा रहे थे उनको रास्ते में पुलिस जबरन उठा ले गई और पुलिस कुछ बता नहीं सकी कि किन मुद्दों को लेकर उठाए हैं। महेंद्र यादव सपा जिला अध्यक्ष को उठाया गया। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव चल रहा है उसमें पर्चा वहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा, वहाँ भारी भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के सह से वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पर्चा नहीं मिल पा रहा। उसी उपलक्ष्य में, उसी संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए हम लोग आए थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम SDM को कहते हैं, SDM से आप लोग भी संपर्क करें, SDM साहब भी व्यवस्था कराएंगे। इसकी हम लोग जानकारी करके जांच करके नियम अनुसार सपा अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला था एक बार इसका कप्तान साहब से बात कर लेंगे तो बेहतर। उनका कहना पर्चा खरीदने जा रहे थे इस नाते गिरफ्तार किया गया, मौजूद है उसका कहना है कि पर्चा मिल ही नहीं रहा है। अभी मैं जाके देख लेती हूँ उसमें क्या, ठीक है, चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। पर आरोप लगाया, लेकिन जिला अधिकारी से इसकी शिकायत की गई।